जैसे कि बच्चों हमने पहले अभी दो तीन अक्षर वाले शब्द पढ़े, उसी तरह अब हम चार अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। पहला पिक्चर हम क्या देख रहे हैं? बर्तन। तो क्या लिखा है? ब प्लस रा प्लस ता प्लस ना, बर्तन। दूसरा है पुवन। ऊ प्लस पा प्लस वा प्लस ना, उपवन। थर्ड है, फिर उसके आगे कुछ शब्द दिए हैं चार अक्षर वाले जो हमको पढ़ना है। क स र त, कशरत। ट म ट म, टम टम। प न घ ट, पन घट। सा रा ग म, सर गम। ब रा ग दा, बर गर। इसके आगे प ल ट न, पल टन। क ट ह ल, कट हल। झ ट प ट, झट पट। अ द र क, अदरक। ख ट म ल, खट मल। उ ब ट न, उप टन। म ल म ल, मल मल। न ट ख ट, नट खट। अ ज ग र, अज गर। आ का बा रा, अकबर। ये थे अक्षर। अब हम कुछ शब्द इन अक्षरों और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाएंगे। जैसे कि यह भी पढ़ो लिखा है, क स र त, कसरत। क र कर, कसरत कर। प न घ ट, पनघट। प रा पर चाला चल, पनघट पर चल। न ट ख ट, नट खट। मत मा ता मत, नट खट मत। बा ना बन, नट खट मत बन। उसके आगे मा ला मा ला, मल मल। प ह न, मल मल पहन। अ द र क, अदरक। च ख चक। झ ट प ट, झट पट। ब र त न, बर्तन। र ख रख, झटपट बर्तन रख। उसके बाद ट म ट म, टम टम। पर पर चढ़ा चढ़, टम टम पर चढ़। उसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे जो कि आपके इस हिंदी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। स प्लस रा प्लस का प्लस सा। प्लस हटा के इन शब्दों को हम जोड़कर जो आगे डॉट्स वाली लाइन है उसमें लिख देंगे। स र क स, सर्कस। दूसरा है ट प्लस मा प्लस टा प्लस मा। उस तरह हमने क्या लिखा? ट म ट म, टम टम। थर्ड क प्लस ट प्लस हा प्लस ला। क ट ह ल, कटहल। आगे जैसे कि हमने दो अक्षर वाले शब्द भी इस तरह लिखे थे, तीन अक्षर वाले शब्द भी लिखे, अब हम चार अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना हमने सीखा है। तीन अक्षर वाले शब्दों की एक्सरसाइज मैं आपको टेनो में सेंड कर दूंगी, तो आप तीन अक्षर वाले कर लीजिएगा और चार अक्षर वाले शब्दों का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे आपको।